नमस्कार, मैं नवीन सिंह, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। झारखंड में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हिंसा का शिकार हुए 24 वर्षीय शख्स तबरेज अंसारी की पत्नी को 5 लाख रुपए और नौकरी देने का वादा दिल्ली वक्फ बोर्ड ने किया है। वक्फ बोर्ड के प्रमुख एवं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने इसकी घोषणा की है। झारखंड के खरसावा सरायकेला जिले में पिछले बुधवार को भीड़ ने चोरी के शक में तबरेज अंसारी को खंभे के साथ कथित रूप से बांधकर लाठियों से पीटा था, जिसकी चोट की वजह से शनिवार को तबरेज अंसारी की मौत हो गई। इस घटना के बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें नज़र आया कि उसे जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाने पर भी मजबूर किया जा रहा था। वक्फ बोर्ड के प्रमुख ने अंसारी की पत्नी को कानूनी मदद हासिल करने में सहायता करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें वक्फ बोर्ड में नौकरी देंगे और कानूनी मदद भी मुहैया कराएंगे। 5 लाख का आर्थिक मदद वाला चेक सौंपने के लिए बोर्ड प्रमुख अमानतुल्ला खान झारखंड खुद आएंगे। इस घटना में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि झारखंड में तबरेज अंसारी की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या की घटना ने उन्हें दुख पहुंचाया है और उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में हिंसा की सभी घटनाएं, चाहे वो झारखंड में हो या बंगाल में हो या केरल में हो, सभी के साथ समान तरीके से पेश आना चाहिए और कानून को अपना काम अवश्य करना चाहिए, जिससे जनता को कानून के प्रति भय और विश्वास हमेशा सत्य प्रतीत होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों के बीच शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, हम फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। आप बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ।